अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को शॉर्ट फॉर्म में डीईएस भी बोलते हैं। जो डीईएस है वो एक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है जो कि पब्लिश की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में NIST। डीईएस जो होता है वो हमारा फिएस्टल साइफर को इम्प्लीमेंट करके ही बनाया जाता है। इट यूजेस 16 राउंड फिएस्टल स्ट्रक्चर। ये फेस्टल स्ट्रक्चर के 16 राउंड को यूज़ करता है। इसमें 16 राउंड होते हैं इंटरनली फंक्शंस में, जो हम आगे देखेंगे। द ब्लॉक साइज, इसमें जो ब्लॉक साइज होता है वो हमारा 64 बिट का होता है। जो की लेंथ होती है डीईएस की डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की, वो 64 बिट की होती है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव की लेंथ होती है डीईएस की वो 56 बिट की होती है। तो जो हमारी 64 में से 56 बिट यूज होती है, तो हमारी जो 8 बिट होती है उसको हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ नहीं करते हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के टाइम पे डीईएस की वो 8 बिट को, तो हम उसको एज अ चेक बिट्स ओनली यूज़ करते हैं। डीईएस इज अ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम स्पेसिफिकली अ 16 राउंड फिएस्टल साइफर। ये एक सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है जो स्पेसिफिकली 16 राउंड फिएस्टल साइफर को इम्प्लीमेंट करता है। नीचे जो तीन फंक्शन दिए गए हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एक डीएस को स्पेसिफाई या इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है 64 बिट का, जो हमारा इनिशियल परम्यूटेशन के पास जाता है। फिर ये हमें यार ये इनिशियल परम्यूटेशन के बाद दो हाफ में क्रिएट होता था हो जाता है। लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट LPT और राइट प्लेन टेक्स्ट RPT। फिर इसके अंदर 16 राउंड्स फिएस्टल साइफर के यूज किए जाते हैं कीज के साथ। फिर हमारा फाइनल परम्यूटेशन आता है, उसके बाद हमारा वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर 64 बिट का आता है। अब यहाँ वही सेम हमने स्टेप में लिख रखा है। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट जो हमारा होगा वो फाइनल इनिशियल परम्यूटेशन IP पे पास होगा। फिर स्टेप टू में वो हमारा प्लेन टेक्स्ट पर इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म करता है। स्टेप थ्री में दो हाफ्स में बांट देता है परम्यूटेशन जो टेक्स्ट होता है, लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट LPT और राइट प्लेन टेक्स्ट RPT। स्टेप फोर में जो LPT और RPT होते हैं वो 16 राउंड इंक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू होकर जाते हैं। स्टेप फाइव में जो LPT और RPT होता है वो रीज्वाइन हो जाते हैं, फाइनल परम्यूटेशन वहाँ पर हमारा क्रिएट होता है कंबाइन होकर। स्टेप सिक्स में एक साइफर टेक्स्ट क्रिएट होता है 64 बिट का। और फंक्शनैलिटी ऑफ DES हम देख लेते हैं। जनरली यूज फॉर इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस, इनक्रिप्टिंग प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस इन वेरियस एल्गोरिथम मोड सच एज इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक ECB, साइफर ब्लॉक चेनिंग CBC, साइफर फीडबैक CFB एंड आउटपुट फीडबैक OFB। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ DES। द इनर वर्किंग ऑफ DES आर कम्प्लीटली नॉन देन द स्ट्रेंथ ऑफ DES लाइज ओनली इन की विच मस्ट बी सीक्रेट। जो हमारी DES के एल्गोरिथम है वो उसकी इनर वर्किंग हमारे को पूरी पता होती है, तो इसलिए उसमें हमारा मेन फंडा आता है की का, जिसको हमें सीक्रेट रखनी होती है। और सेकंड हमारा पॉइंट है ये 56 बिट की इनक्रिप्शन के टाइम पर यूज़ करता है, तो यहाँ पर पॉसिबल जो टोटल कीज बनती है वो 2 की पावर 56 बनती है। अगर जिसको हम ब्रूट फोर्स अटैक में डालें तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल नंबर हो जाता है कि इसके ऊपर अटैक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं इसके कारण।